हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन डॉक्टर प्रीति। अब फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं, लोगों को आप लोग बढ़िया बढ़िया सब लोग खाना खाने के लिए तैयार रहते हैं कि भाई फेस्टिवल्स में हमें खाना है। और उसी में आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसिडिटी। जो एसिडिटी जो है अधिकतर लोगों को है और लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि कोई नहीं, हम इनो पी के ठीक कर लेंगे, हम डाइजिन पी के ठीक कर लेंगे। लेकिन जो एसिडिटी है वो बाद में आपको क्या क्या आपको प्रॉब्लम कर सकती है, वो अल्सर बना सकती है, आपको ईसोफेगाइटिस हो सकता है, आपको आपको जो है ये क्या 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 आगे जाकर के पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, फिशर फेस्टुला हो सकता है। तो आप इस एसिडिटी को, जिसको भी एसिडिटी है वो इसको सीरियसली ले और अपने डाइट से इसको कंट्रोल करें। तो दो तीन रीज़न है एसिडिटी के। या तो आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है लंबे अरसे से, आपको पता नहीं चल रहा है, तो क्योंकि जो भी लेफ्ट ओवर फूड है, अगर आपका पेट का खाना पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो मीन्स वो सड़ रहा है और वो सड़ करके एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। पहला रीज़न ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। दूसरा, जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो ईसोफेगस जो जो खाने की नली है उससे होता हुआ हमारे पेट में जाता है और वहाँ पर एक वॉल्व होता है, वो वॉल्व बंद हो जाता है, जिससे कि जो पेट में जब एसिड सीक्रीट होता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो वापस हमारे उस आहार नली में या ईसोफेगस में ना आए। लेकिन अगर किसी वजह से आपका जो वो वॉल्व है वो नहीं बंद हो रहा है तो पेट का एसिड वापस आपके मुंह में आ जाता है और वो उसकी मसल्स लूज हो रही हैं। तो मेन तो ये रीज़न है कि आप जो भी आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड का एसिड या पेट का एसिड आपको बैक आ रहा है। तीसरा रीज़न है लेट नाइट डिनर, आप रात में देर से खाना खाना और हैवी खाना खा करके तुरंत सो जाना। जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो 8 बजे अपना डिनर ख़त्म कर लेगा, उसके बाद नहीं कुछ भी नहीं खाएगा तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने गट की हेल्थ को जरूर देखें, अगर कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, अगर स्पाइसेस खाने से आपको एसिडिटी हो रही है, तो पहले तो आप उस रीज़न को ढूंढें कि डिस्कस करें डाइटिशियन से कि आपको किस रीज़न से जो है एसिडिटी हो रही है। कुछ लोगों को स्ट्रेस और एनजाइटी से भी एसिडिटी होती है, कि अगर स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं और एनजाइटी हो रही है तो भी एसिडिटी हो रही है। तो पहले आपको रीज़न पता चलेगा तब आप उसको क्योर कर पाएंगे। तो क्योर करने के लिए, किसी को अगर सुबह से एसिडिटी है तो वो जो है आप ठंडा दूध ले सकते हैं, आपको ठंडी चीज़ें लेनी है तो आप दूध ठंडा ले सकते हैं। बीच में अगर आपको एसिडिटी लंच के बाद, डिनर के बाद हो रही है, तो आप आइस क्यूब्स को फ्रीज़र में से ले लीजिए, आइस क्यूब्स को एक कप में, उसमें थोड़ा सा आप ग्लूकोज डाल के उसको सिप सिप करके पीजिए दिन में 2-3 बार, तो वो तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और जल्दी तो खाना खाना ही है, हैवी खाना रात में, अगर आपको एसिडिटी है आज तो आप कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ें मत लें, मतलब कोई दाल, स्प्राउट, अंडा, चिकन, पनीर को, अगर एसिडिटी आज है तो आप 2-3 दिन तक, जब तक कि आपका एसिडिटी आपको ये लगे कि ठीक नहीं है, तब तक आप प्रोटीन की चीज़ें बहुत कम लें और रात में तो बिल्कुल ही ना लें। जिस दिन एसिडिटी लगे उस दिन रात में आप केवल वेजिटेबल और ये जूसेस या फ्रूट्स लेकर ही सोएं खाना खा के, और अपना जो है खाना कोई भी ना खाएं। और जिनको किसी स्पाइस से ट्रिगर कर रहा है, किसी को कॉफ़ी से, किसी को चाय से, कि अगर आप चाय, आपको लगता है कि चाय एसिडिटी कर रही है, तो आप मॉर्निंग में पहले 1 कप ठंडा दूध ले लें, उसके बाद चाय पियेंगे तो वो इतना एसिडिक प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो और नेचुरल रेमेडीज़ में यही है आपको एसिडिटी के लिए, आप लेमन वाटर यूज़ करें। तो लेमन वाटर का जो, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि लेमन वाटर में तो एसिडिक है, वो एसिड लेमन वाटर का नहीं है। एसिड लेमन वाटर का जो इफेक्ट है वो बॉडी में एल्कलाइन है। तो अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आप लेमन वाटर ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, ये सब आपकी एसिडिटी को ठीक करेगा। और जितना आप एंटा एसिड खाते हैं उसका इतना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है वो हम लोगों को पता ही नहीं है, कि आपको एसिडिटी हुई आपने इनो पी लिया, आप शुरू में कुछ साल आप 1 पाउच पियेंगे, फिर आप देखेंगे कि 2 पाउच पी रहे हैं, फिर देखेंगे, क्योंकि जितना आप एंटा एसिड लेते हैं तो हमारे जो ब्रेन को या स्टमक को ये सिग्नल जाता है कि आपके बॉडी में एसिड कम हो गया है, तो वो जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स और ज़्यादा रिलीज होते हैं, मतलब वो और ज़्यादा ही, इधर आप एसिड कम कर रहे हैं तो आपका स्टमक या जो आपका ब्रेन ये समझ रहा है कि एसिड कम हो रहा है, तो गैस्ट्रिक हार्मोन्स क्या करता है, वो और ज़्यादा एसिड को रिलीज करता है,
जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं वो और ज़्यादा एसिड सिक्रीट करते हैं। तो एंटा एसिड बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि धीरे धीरे जो आपका एंटा एसिड क्या करेगा, जो नेचुरल एसिड आपका जो निकल रहा है स्टमक से वो कम होता जाएगा, तो आपको और भी आपकी कंडीशन सीवियर हो जाएगी। अगर पहले थोड़ा कॉन्स्टिपेशन है तो धीरे धीरे आपको और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा और एसिडिटी और बढ़ती जाएगी। तो इसलिए एसिडिटी में एंटा एसिड मत लें, अपना आइस क्यूब्स लें और आप जो है ठंडा दूध लें, और सबसे पहले अपने डाइट में 70% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखें। जिस दिन भी एसिडिटी हो, अगर जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो 1 वीक की डाइट ऐसी ले जिसमें 70% फ्रूट और वेजिटेबल्स हो, केवल 30% जो है आप अनाज और फैट लें, मतलब बहुत कम मात्रा में अनाज लें। उसका वही तरीका है कि ब्रेकफास्ट में भी आप जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स जूसेस दीजिए, डिनर में भी सूप और सलाद दीजिए, सिर्फ लंच में ही आप अनाज खाइए 2-3 दिन 4 दिन, जब तक आपको एसिडिटी से आपको रिलीफ नहीं मिलता है। तो ये जो एसिडिटी को अपना सीरियसली लीजिए, क्योंकि आगे जाकर ये ईसोफेगाइटिस हो सकती है। अभी ईसोफेगाइटिस मतलब जो आपकी जो आहार नली है उसमें पूरे घाव हो जाएंगे, तो उससे उससे दिन भर ही आपको गले में जलन रहेगी और खट्टी डकार आएगी और वो एक सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए एसिडिटी को ज़रूर आप अपने उसको देखें कि किस वजह से हो रही है। आप मुझसे पर्सनल मैसेज में डाइट प्लान के लिए डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है लिंक में, और मेरा इंस्टाग्राम में मैं रेसिपी के लिए मुझे फॉलो करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।